नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टीवी में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे मोबाइल का नंबर हमेशा 6, 7, 8 और 9 इन नंबरों से ही क्यों शुरू होता है, और जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां होती है वो अपने मोबाइल के साथ हेडफोन्स क्यों नहीं देती है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आजकल हर कोई इंसान स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, और ऐसे में आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि हमारे मोबाइल के नंबर हमेशा 6, 7, 8 और 9 से ही शुरू होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया के मोबाइल के नंबर हमेशा 6, 7, 8 और 9 से ही क्यों शुरू होते हैं? दोस्तों, हमारे इंडिया में ट्रा यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया में मोबाइल फोन्स को लेकर कुछ नियम बनाए हैं, और इन्हीं नियमों के कारण हमारे मोबाइल का नंबर 6, 7, 8 और 9 से शुरू होता है। और इन नियमों के मुताबिक 0 ये एसटीडी नंबरों के लिए होता है, और एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और इनके अलावा कुछ खास नंबर होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेवाओं के लिए होते हैं, जैसे कि पुलिस, एम्बुलेंस और ऐसे ही गवर्नमेंट की सेवाओं के लिए कुछ खास नंबर होते हैं। और उसके बाद 2, 3, 4, 5 ये नंबर लैंडलाइन सेवाओं के लिए होते हैं। तो इन्हीं नंबरों के बाद बचते हैं 6, 7, 8 और 9 नंबर जो कि हमारे मोबाइल नंबर के लिए होते हैं। तो इसी वजह से हमारे मोबाइल के नंबर 6, 7, 8 और 9 से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, इसी सवाल के साथ आपके दिमाग में एक और सवाल भी आया होगा, और वो सवाल ये है कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपने स्मार्टफोन के साथ हेडफोन्स क्यों नहीं देती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले समय की कंपनियां अपने मोबाइल के साथ हेडफोन्स भी देती थी, लेकिन अब इन कंपनियों ने अपने मोबाइल के साथ बॉक्स में हेडफोन्स देना बंद कर दिया है। हालांकि अभी कुछ कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स के साथ हेडफोन्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि सैमसंग मोबाइल की कंपनी अपने स्मार्टफोन्स के साथ हेडफोन्स भी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी बहुत सी स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियाँ ऐसी है जो कि अपने स्मार्टफोन्स के साथ ईयरफोन्स प्रोवाइड नहीं करती है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स के साथ ईयरफोन देना बंद कर दिया है, क्योंकि सभी स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियों ने अपने ब्रांड के हेडफोन्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, जैसे कि ईयरफोन्स, ईयरबड्स और वायरलेस ईयरफोन्स। और अगर ऐसे में इन्होंने अपने स्मार्टफोन्स के साथ भी हेडफोन्स देना शुरू कर दिया, तो इन्होंने जो मार्केट में अपने हेडफोन्स लॉन्च किए हैं उन हेडफोन्स को कोई नहीं खरीदेगा, और ऐसे में स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और दोस्तों, यही कारण है कि स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स के साथ बॉक्स में ईयरफोन्स प्रोवाइड नहीं करती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस वीडियो के जरिए सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।